राधे राधे जी, आप सबको हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी की कृपा से आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ आइए वीडियो प्रारंभ करें। इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हरतालिका तीज व्रत पूजन के बाद सुनी जाती है। सब प्रेम से बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय अम्बे जगदम्बे माँ पार्वती। श्री हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, जिन मंदार पुष्प की माला से माँ पार्वती जी के केश अलंकृत हैं और जिन मुंडमाला से देवों के देव भोलेनाथ महादेव भगवान शिव शंकर जी अलंकृत हैं, जो माँ पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो भगवान शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे माँ पार्वती जी और भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी माँ पार्वती जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, हमें ऐसा कोई गुप्त व्रत या गुप्त उपाय के बारे में बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े किंतु फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय सुनो, जो व्रत सर्वस्व और छिपाने योग्य है किंतु आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं आपको सुनाता हूँ। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में भगवान श्री हरि विष्णु जी, नदियों में माँ गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में ऐसा उत्तम व्रत के बारे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि आप मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, आज से सहस्रों वर्ष पूर्व आपने इस व्रत को किया था। माँ पार्वती जी पूछती हैं, हे प्राणनाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था? यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, उत्तर की ओर बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उस पर्वत के आसपास नाना प्रकार की भूमियां हैं, नाना प्रकार के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां प्रसन्न मन से गंधर्व और देवतागण विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व मधुर गीत गान करते हैं और अप्सराएं मनमोहक नृत्य करती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर स्फटिक व मणियों से भरी हुई हैं। यह पर्वत इतना ऊंचा है मानो आकाश में मेघों से मित्रता कर रहा हो। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और नदी गंगा मैया की ध्वनि सदैव सुनाई पड़ती है। हे पार्वती, आपने बाल्यावस्था में उसी पर्वत पर कठोर तप किया था। 12 वर्ष आपने सिर आसन में तप किया। 64 वर्षों तक अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया।
तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अदिति सरकार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्त का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने का अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी थी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीय को हस्ता नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आए। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोत्र विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीय को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ, इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण होती है। प्रिय मित्रों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।